बुरे लोग अपनी खुदगर्जी और कठोरता की वजह से सत्य के मार्ग पर चलने वालों पर चारों तरफ से हमला करते हैं। इस अंधकार की गहराई से उन अच्छे लोगों को बाहर निकालने वाला पुण्य आत्मा हो जाता है। हमसे भी कोई ज्यादा शक्तिशाली कोई हमसे टकराने आ जाए तो उससे लड़ने का एक सलीका होता है। The entire system is in our control. क्या शूटिंग को लेकर मेकर्स ने दी कोई बड़ी अपडेट? किस अंदाज में नजर आएंगे एक्टर नागा चैतन्य? किस एक्ट्रेस के साथ रोमांस करेंगे नागा? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा ऑडियंस को इम्प्रेस करने में नाकामयाब रही और बॉयकॉट का शिकार भी बनी। पर इस फिल्म के साथ बॉलीवुड के साथ साथ साउथ स्टार्स भी जुड़ चुके थे, जिसमें शामिल थे नागा चैतन्य, जिनका ये बॉलीवुड डेब्यू था। अब उनके इस डेब्यू के बाद वो फिर से लौट रहे हैं अपने इंडस्ट्री में एक नए प्रोजेक्ट के साथ, जिसका नाम है NC22। अब इस टाइटल का क्या मतलब है ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है, पर आपको बता दें कि ये टेम्पररी रखा हुआ टाइटल है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं वेंकट प्रभु, जिनकी ये 22वीं फिल्म है। शायद इसी वजह से इसका टाइटल ऐसा रखा गया होगा। वेंकट प्रभु ने बिरयानी, पार्टी, गोवा, मन कथा, विक्टिम जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। वेंकट प्रभु प्रोमिनेंटली तमिल फिल्मों में काम करते हैं, पर इस फिल्म के जरिए वो पहली बार तेलुगु फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और नागा चैतन्य इस तमिल तेलुगु बिलिंगुअल प्रोजेक्ट से तेलुगु डेब्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब इस फिल्म को लेकर एक खबर ये है कि इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है 21 सितंबर से। मेकर्स ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि नागा चैतन्य और वेंकट प्रभु के साथ कोलाबरेट करके काफी खुशी हो रही है और अब 21 सितंबर से इस एक्शन से भरपूर फिल्म की शूटिंग शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, अब नागा चैतन्य का इसमें क्या रोल होगा ये जानने में आपको दिलचस्पी तो जरूर होगी। अगर आपने फिल्म का एक इंटरेस्टिंग पोस्टर या पिक्चर देखा होगा ना, तो उसमें एक रेड लाइट में नागा चैतन्य खड़े हैं। उनका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा, पर उनकी पर्सनालिटी से नजर आ रहा है कि वो वही है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी ऑफिसर के किरदार में नजर आने वाले हैं, जो एक क्राइम मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और करेंगे दमदार एक्शन। वैसे अभी कुछ हफ्ते पहले ही फिल्म की पूजा सेरेमनी हो चुकी है और अब ये टीम काम पर लगने वाली है। दोस्तों, अब आपकी दिलचस्पी बढ़ी होगी ये जानने के लिए कि नागा चैतन्य के साथ कौन सी आखिर अदाकारा नजर आएगी। तो हम आपको बता दें कि एक्ट्रेस कृति शेट्टी नजर आने वाली है। नागा और कृति ने इसके पहले बांगर राजू फिल्म में एक साथ काम किया था, जिसमें नागार्जुन भी शामिल थे। वैसे ऑडियंस काफी एक्साइटेड है इन दोनों की केमिस्ट्री को देखने के लिए। वैसे कृति सोशल मीडिया पर भी नागा की तरह काफी पॉपुलर है। दोस्तों, वैसे वेंकट प्रभु इसके साथ साथ मानाडू नाम का एक और तेलुगु हिंदी बिलिंगुअल प्रोजेक्ट करने का फैसला कर चुके हैं। इसी के साथ साथ नागा चैतन्य भी अपनी आने वाली दो फिल्मों में एंटागोनिस्ट के किरदार में नजर आने वाले हैं। वैसे अभी तक तो इस फिल्म की रिलीज डेट 15 दिसंबर 2022 बताई जा रही है। तो देखते हैं कि ये एक्शन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म क्या तहलका मचाती है। चलिए, इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।